किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो किसानों के बीच में मोस्ट फेमस फंजीसाइड है, यानी कि ऐसे ब्रांड जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, स्पेशली जो वेजिटेबल्स के किसान हैं, सब्जियां उगाते हैं आप किसी भी तरह की, तो मोस्ट फेमस जो ब्रांड हैं जो भी फंजीसाइड के, फफूंदी नाशक के, उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानकारी हम देने वाले हैं। हम उसके कौन सा ब्रांड है, कौन सा टेक्निकल उसमें होता है, क्या उसका एग्जैक्ट प्राइस है, वो भी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके साथ साथ क्या डोज है, कौन कौन से रोगों पर यह काम करता है, तो डिटेल में हम समझने वाले हैं जो मोस्ट फेमस ब्रांड है जिनको ज्यादातर किसान भाई उपयोग करते हैं। और देखिए, अगर आप वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, किसी भी फंजीसाइड को आप मिस ना करें। तो बहुत सारे फंजीसाइड के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फंजीसाइड से। यह आता है हमारा बायर का एंट्राकॉल फंजीसाइड। देखिए, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत शानदार फंजीसाइड है किसी भी सब्जी वर्गीय फसल के लिए, तो बहुत ही बहुत उपयोगी फंजीसाइड है। लेकिन ये प्रिवेंटिव में यूज होता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है प्रोपिनेव 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है। देखिए, इसका यदि रोगों की बात करें तो ये जो काम करता है एप्पल स्कैप में, फ्रूट रॉट में, अर्ली एंड लेट ब्लाइट दोनों में काम करता है, डाईबैक में, डाउनी मिल्ड्यू में और बकाई रॉट में ये काम करता है। इन रोगों को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है। डोज रखनी होती है 2.5 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और इसकी 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत वो लगभग आपको 800 रुपये में मिल जाएगी, 800 रुपये पर केजी के रेट में आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार इफेक्टिव फंजीसाइड है। और देखिए, इसके अंदर जिंक होता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो फसलों में जिंक की पूर्ति होती है, जिससे फसलों की ग्रोथ और भी अच्छी आती है और फसलों पर ग्रीनिश इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है सब्जियों के किसान हैं तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंजीसाइड आता है, वो भी कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। ये हमारा सिंजेंटा का कवच फंजीसाइड। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है क्लोरोथोलोनिल होता है, 75% WP, कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है प्रिवेंटिव के लिए। बहुत शानदार ये भी फंजीसाइड है। ये भी बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। रोगों की बात करें, देखिए, टिक्का डिजीज में, रस्ट में, अर्ली एंड लेट ब्लाइट में, एंथ्रेक्नोज में, डाउनी मिल्ड्यू में, फ्रूट रॉट में, इन सभी रोगों को बहुत इफेक्टिवली ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ डैम्पिंग ऑफ, फ्रूट रॉट में भी ये काम करता है। इसका ड्रिंच भी दिया जा सकता है। देखिए, इसकी जो डोज रखनी होती है वो रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और इसका यदि हम प्राइस की बात करें, ये आपको 1600 रुपये पर केजी के रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1 एकड़ में आपकी डोज लगेगी 400 ग्राम। इसके साथ, क्योंकि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड भी डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये भी जो सिंजेंटा का क्लोरोथोलोनिल है, ये भी बहुत अच्छा है, जो क्वच के नाम से आता है। ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, फेमस ब्रांड है और वेजिटेबल्स के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रांड पर, वो आता है धनुका का कॉनिका फंजीसाइड। कॉनिका फंजीसाइड के अंदर जो टेक्निकल होते हैं, 2 टेक्निकल होते हैं, एक तो कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 45% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंदर जो कासुगामाइसिन है, ये सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है और ये बैक्टीरिया साइड है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करता है। और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसके अंदर वो फंगल और जो फंगल डिजीज हैं या बैक्टीरियल डिजीज हैं, दोनों को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत अच्छा है स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज के लिए। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट पे अच्छा काम करता है, कैंकर जो आता है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, उसमें अच्छा काम करता है, ब्लैक रॉट में, और इसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट में भी ये काम करता है। इसकी डोज रखनी होती है 1.5 ग्राम पर लीटर, यानी कि 300 ग्राम 1 एकड़ में ये प्राप्त रहता है, और 300 ग्राम यानी कि 1 एकड़ का प्राइस आपको पड़ेगा 720 रुपये। तो ये भी एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है वेजिटेबल्स के किसानों के लिए, स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंजीसाइड की तरफ चलते हैं, वो आता है टाटा का ब्लाइटॉक्स फंजीसाइड। इसके अंदर होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में, ये भी बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज दोनों को कंट्रोल करता है। और देखिए, रोगों की बात करें तो ये प्रिवेंटिव में काम करता है, पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है प्रिवेंटिव में ज़्यादा बेहतर काम करता है, कॉन्टैक्ट एक्शन इसके अंदर होता है। ये फ्रूट रॉट में, कैंकर में, ब्लैक रॉट में, रस्ट में, अर्ली एंड लेट ब्लाइट दोनों में काम करता है, डाउनी मिल्ड्यू में, डैम्पिंग ऑफ में और रूट रॉट में अच्छा काम करता है। डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट के लिए आपको ड्रिंक्स देना पड़ेगा। इसकी डोज रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और ये भी आपको 600 रुपये पर केजी के
रेट में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव ये भी नहीं है और बहुत अच्छा काम करता है और बहुत फेमस भी है किसानों के बीच में, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज फंगल डिजीज दोनों को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांड की तरफ, ये आता है UPL का साफ फंजीसाइड। साफ फंजीसाइड भी बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, बहुत ज़्यादा किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर दो टेक्निकल होते हैं, कार्बंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP फॉर्मुलेशन में। इसमें जो कार्बंडाजिम है सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है, मैनकोजेब कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। इस तरीके से सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट इसके अंदर एक्शन होता है, ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों में दोनों एक्शन इसके अंदर होते हैं। ये भी काफ़ी सारे डिजीज पर काम करता है, जैसे कि लीफ स्पॉट, रस्ट, अर्ली एंड लेट ब्लाइट में अच्छा काम करता है, ब्लैक स्कर्फ जो पोटैटो आलू के अंदर देखने को मिलता है, ब्लिस्टर ब्लाइट में काम करता है, रेड रस्ट में काम करता है, डाईबैक में, डाउनी मिल्ड्यू में, पाउडरी मिल्ड्यू में, एंथ्रेक्नोज में, टिक्का लीफ स्पॉट में, कॉलर रॉट में, डैम्पिंग ऑफ में, फ्यूजियम विल्ट में, तो ये बहुत सारे रोगों पर काम करता है जो साफ ब्रांड है। बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी जो डोज रखनी होती है 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप रख सकते हैं। और देखिए इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 330 रुपये पड़ेगा आपको लगभग 500 ग्राम का है, तो ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यदि आधा केजी की बात करें तो 330 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छे से ये भी काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांड की तरफ, तो ये आता है हमारा सिंजेंटा का अमिस्टार टॉप। सिंजेंटा का अमिस्टार टॉप फंजीसाइड ये भी आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको तो वेजिटेबल्स के किसानों के साथ साथ जो धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, यानी कि इन फसलों में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अंदर भी दो टेक्निकल होते हैं और ये सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है, तो इसलिए क्यूरेटिव के लिए बहुत अच्छा है जो हमारा अमिस्टार टॉप है। इसके अंदर टेक्निकल होता है एजॉक्सिस्टोबिन 18.2% प्लस डाइफेंकोनाजोल 11.4% SC फॉर्मुलेशन में। दो टेक्निकल होते हैं, सिस्टेमिक एक्शन से काम करते हैं। रोगों की बात करें एंथ्रेक्नोज में, पाउडरी मिल्ड्यू में, अर्ली एंड लेट ब्लाइट में, पर्पल ब्लॉच में, फ्रूट रॉट में, इन डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है। इसका स्प्रे ले सकते हैं, उसके उसी तरीके से ब्लास्ट में, सीथ ब्लाइट में, धान के अंदर ये काम करता है, तो ये बहुत सारे रोगों पर काम करता है। इसकी डोज रखनी होती है 1 ml/L, यानी कि 200 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है किसी भी फसल के अंदर। 200 ml का जो आपको प्राइज है वो लगभग आपको इसका पड़ जाएगा 850 रुपये, तो ये जो होता है थोड़ा आपको ज़रूर एक्सपेंसिव होता है। तो इसको हम क्यूरेटिव में यूज करते हैं, तो 850 रुपये आपको पड़ेगा 200 ml का, और 1 लीटर की यदि आप पैकिंग लेने जाएंगे तो 3,800 रुपये में आपको मिल जाएगी अमिस्टार टॉप की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रांड की तरफ, ये आता है क्रिस्टल का बावेस्टिन। बावेस्टिन फंजीसाइड भी बहुत फेमस फंजीसाइड है और बहुत पुराना फंजीसाइड है। इसके अंदर होता है कार्बंडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन में। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, मल्टीपल तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये सिस्टेमिक एक्शन इसके अंदर होता है, यानी कि क्यूरेटिव में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्यूरेटिव के लिए ये इसमें होता है। देखिए रोगों की बात करें टिक्का लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट, फ्रूट रॉट, स्कैब, एंथ्रेक्नोज, डैम्पिंग ऑफ, इन रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। डोज रखनी होती है 1 ग्राम/L के हिसाब से, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार फंजीसाइड है, ये जो मैंने आपको ब्रांड बताए बहुत अच्छे हैं, तो आप इनमें से कोई भी फंजीसाइड ले करके उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो आपको जानकारी है वो उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी है तो एक तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो उसे कमेंट करके ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।